नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ग्रुप ए में अपने आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार के छोटे से गांव रोशनाबाद की रहने वाली वंदना कटारिया ने मैच में 3 गोल दाग करके इतिहास रच दिया। वे ओलंपिक मैच में गोल की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है। इन दिनों दुनिया में ओलंपिक का खुमार चल रहा है और खेल के मैदान में और उसके बाहर इसको लेकर के प्लेयर्स और दर्शकों दोनों में जुनून है, टेंशन है और रोमांच भी भरपूर है। लेकिन हम आपको एक दिलचस्प बात बता रहे हैं कि इस बार ओलंपिक में खेल के बाद रोमांच के साथ साथ इश्क भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में शनिवार रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देश के पूर्वी हिस्से में मानसून के आगे बढ़ने के साथ पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इससे पश्चिमी की ओर से झारखंड और बिहार की तरफ बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। इससे इन राज्यों में वीकेंड में भारी बारिश होगी। स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कम दबाव का क्षेत्र बना रहा है और अगले 3 दिनों में यहाँ भारी बारिश होगी। 1 अगस्त से देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है कि इन बदलावों को जानकारी पहले से ही अपने पास रख लें। 1 अगस्त से बैंक में होने वाले लेन देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। इसके अलावा अब ATM से पैसे निकालने के लिए आपको ज़्यादा शुल्क चुकाना होगा। हम आपको ऐसे 5 बदलाव बताएंगे अगली खबर में, जिसका आप सभी को संबंध इससे समझ में आएगा। भारत के साथ होम टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा। उसके स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार रात इसकी जानकारी दी और इंग्लैंड और भारत के बीच 4 अगस्त से टेस्ट सीरीज खेली जानी है। 30 साल के स्टोक्स ने अपने फैसले की वजह मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बताया। इसी साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी उनका खेलना तय नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद के बीच मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसके अलावा असम के 4 सीनियर पुलिस अधिकारियों और 2 एडमिन ऑफिशियल्स समेत 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों पति विराट कोहली और बेटी भूमिका के साथ इंग्लैंड में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। इस वेकेशन में उन्हें टीम इंडिया के क्रिकेटरों और उनकी पार्टनर्स का भी साथ मिला है। हाल ही में इस वेकेशन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं और अनुष्का शर्मा ने हाल ही में एक सोशल मीडिया अकाउंट से डरहम में वेकेशन एंजॉय करते हुए एक खूबसूरत फोटो शेयर की। टोक्यो ओलंपिक में 31 जुलाई को भारत की PV सिंधु महिला बैडमिंटन के सिंगल्स मुकाबले का सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। सिंधु का सामना चाइनीज ताइपे की ताइजू यिंग से होगा। यिंग वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं और उनके अलावा मुक्केबाजी में पूजा रानी भी मेडल पक्का करने की कोशिश करने में उतरेंगी। अतनु दास पुरुष तीरंदाजी में भारत के लिए मेडल का खाता खोलने के लिए दावेदारी पेश करेंगे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।